ये हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास हुआ। सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू समाज के जो मंदिर दूषित किए जा सकते हैं उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। जो जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मंदिर में पाप कौन है गुनाहगार, ये बड़ा सवाल है और हम आपको बताएंगे। चर्बी वाला तेल आस्था से जो खेल लगातार चल रहा था, दरअसल ये मामला आंध्र प्रदेश का है और वहां पे जो वेंकटेश्वर मंदिर है, प्रसादम वहां मिलता है लड्डू के रूप में, उसमें एनिमल चर्बी एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल करके वो प्रसाद तैयार करवाया जा रहा था। इसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि इस मामले में जमकर जो है आवाज उठानी चाहिए। और आपको बता दें, जब सैंपल्स जांच के लिए पहुंचे तो ये पता चला कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं। अब इसको लेकर सियासत भी गर्म है, साधु संतों में भी नाराजगी है और भक्तों में भी लगातार कोहराम का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। शर्मनाक शर्मनाक शर्मनाक, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ शर्मनाक। भगवान बालाजी के मंदिर में महापाप शर्मनाक। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिले होने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर के प्रसाद को बनाने में जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला है कि लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी के अंश थे। रिपोर्ट में बीफ फैट, फिश ऑयल समेत कई और दूषित चीजें भी पाई गई है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मामला सीधे सीधे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते थे उन्हें प्रसाद के तौर पर दर्शन के बाद यही लड्डू दिए जाते थे। इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनके उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। नाराजगी केवल सियासी गलियारों तक नहीं है बल्कि ये मामला मंदिरों मंदिरों तक तो गूंज रहा है। बालाजी के मंदिर में जो महापाप किया गया है उससे देश भर के साधु संत भी भड़क गए हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस पोल को खोला, तो मैं निवेदन करता हूं कि जो जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है और आस्था की घोटाला कांग्रेस ने किया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए जिन्होंने भगवान के उस पवित्र लड्डू में और ये खुरापात की है, ये जिहाद किया है। बहुत पहले आंध्र के मुख्यमंत्री पूरे तिरुपति स्थानम को ही देवस्थानम को ईसाई उसका ईसाईकरण करने में लगे थे। बीते रोज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में मिलावट होने के जो आरोप लगाए थे, कहीं न कहीं उन आरोपों पर अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर तिरुपति बालाजी में प्रसाद के तौर पर भक्तों को बांटे जाने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या जानबूझकर लड्डू के तौर पर दिए जाने वाले घी में एनिमल फैट मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हुई, या फिर जगन मोहन सरकार ने नई कंपनी को घी की सप्लाई करने का टेंडर देते समय घी की गुणवत्ता चेक नहीं की? सवाल ये भी है कि जब
309 साल पुरानी खुफिया रसोई जिसे फोटो कहते हैं, वो सालों तक जब नकली घी का इस्तेमाल होता रहा तो मंदिर प्रशासन को घी में मिलावट होने की भनक क्यों नहीं लगी? और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये कि अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो क्या जिन्होंने हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया उन पर कोई कार्रवाई होगी या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज तिरुपति बालाजी के लाखों करोड़ों भक्त चाहते हैं, जिनका धर्म भ्रष्ट करके उनकी आस्था के साथ खुला मजाक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां एक तरफ सवाल उठ रहे हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई से लेकर की जाएगी। सुनिए, वहाँ की प्रदेश सरकार ने, नायडू सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार भी अवगत है इस सारे घटनाक्रम से। हमें विश्वास है जो लोग जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो बात कभी ना सोची गई कल्पना तक में वो बात हमारे सामने आ रही है। और तिरुपति की मान्यता इतनी व्यापक है कि किसी समुदाय विशेष या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं, हम सबके लिए आस्था का विषय है। और हमें विश्वास है कि इस आस्था को पुनः स्थापित करने के लिए प्रमाणित ढंग से उचित कार्रवाई भी होगी। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़ी बताते हैं, जिसमें एक और आरोपी अजय यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल इस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और एनकाउंटर के बाद ही इस शख्स की, आरोपी अजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद सियासत एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। क्राइम पर हिसाब तगड़ा, यूपी में हिसाब लंगड़ा। जी हाँ, योगी बाबा के राज में अपराधियों का पूरा इलाज किया जाता है, वो भी लंगड़ा बनाकर। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर का डकैती कांड याद है ना आपको? वही डकैती कांड जिसमें शामिल मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अब भी यूपी का सियासी पारा उबाल पर है। उसी डकैती कांड का एक और सरगना अजय यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एनकाउंटर में पुलिस ने उसे लंगड़ा कर डाला। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान बदमाश अजय यादव को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। अजय यादव के ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अजय यादव के पास से डकैती में लूटे गए जेवरात, पैसे, अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। जिसने किया हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट, अब उनके मंसूबे होंगे नष्ट। हिंदुओं की हुकार आरंभ है प्रचंड। दिखाएंगे पूरी खबर न्यूज का एक्सरे में रात 8 बजे।